कॉर्डलेस दे दे भाई साहब, कॉर्डलेस। और कभी कह रहा है फिर एक कर्म घटा दे, कर्म बढ़ा दे। बाप के दो बेटा पर कर्म बना दिए, इसी बीच इस कार्यक्रम के पहली इनाम हमारे लिए आई है महाराज जी की तरफ से 51 रुपए। ये आशीर्वाद मिला है, जय जय आशीर्वाद की कामना हमेशा करता रहूंगा। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कर दीजिएगा भैया। एक पूंदड़ा एक भिखारी, एक पूंदड़ा बना फिरे और एक बना है जोरी। एक धागा गुदड़ी में लगता है, एक धागा गुदड़ी में लगता एक पतंग की डोरी, एक धागा गुदड़ी में लगता डोरी। एक पत्थर शिव जी बन पूजता एक मूत्र की बोरी, एक पत्थर शिव का बलशाली रावण ने सोचा जो मैं हत्या करूं नार की दोषी बनूं जमाने का। काम नहीं है मर्दों का नारी पे हाथ चढ़ाने का। ले संदूक असुर ने या में कौशल्या बैठाई और बाबा याने जल के बीच बलशाली रावण ने अपना काम कर दिया। उधर में महाराज दशरथ जी कौशल्या की बरात लेके कौशलपुर में पहुंच गए। जब राजा सुकौशल को ये पता चला कि बारात नगर में आ गई, बेटी कौशल्या का राजकुमारी का कोई पता नहीं, रोए गए राजा। अपनी रानी को पास में बुलाया और चाचा जी ये जिगड़ी का चौक सुनिए, चौक में क्या हो रहा है। भैया जब सुनिए, भूपने बानी ओ सुनिए भूपने बानी और जन पास बुलाए लिए सुनिए भैया सुनी भूपने ये रानी
राजा सुकोसल और उनकी रानी दोनों महलों में विचार विमर्श कर रहे हैं कि बारात नगर में आ गई है, बेटी का कोई पता नहीं। रानी राजा के सामने हाथ जोड़ के खड़ी है, गई महाराज अगर हमारी पुत्री का कोई पता नहीं चला तो हम इस संसार से विदाई ले जाएंगे, हम इस राजधानी को छोड़ जाएंगे। और लीजिए एक टुकड़ी गजल, गजल में रानी राजा पे कह रही है क्या, ए मेरे हमनसी तू कहीं और चल, ए मेरे हमनसी तू कहीं और चल, इस चमन में तो अपना गुजारा नहीं, ए मेरे हमनसी होती गुलों तक, बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, वो उत कांटों पे भी घर है बारा नहीं, ढोला और ढोला में क्या मिलने लगा।